आप में से किसी का घर ऐसा है जिसके दाएं बाएं आगे पीछे मकान ना बने हो, बिल्कुल अकेला घर बना हो और पड़ोस में कोई घर ना हो? किसी का है? बिल्कुल अकेला घर बना हो और जब आप अपने घर से चिल्लाएं तो किसी के घर में आवाज ना जाए। होते हैं ऐसे घर, लेकिन बहुत कम होंगे। जब आप जाके अकेला अपने खेत में बना लो तो आप अकेले रह जाओगे वहाँ, तो आपके पड़ोस में कोई है ही नहीं। आपको कोई आए, घुस जाए घर में, मारे तोड़े, चीज़ें उठा ले जाए, चोरी करे, आप चिल्लाते रहिए, पड़ोसी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि पड़ोसी है ही नहीं। तो ज़्यादातर आपके घर कैसे हैं? आपके पड़ोस में एक घर है, आपके इधर वाले पड़ोस में भी घर है, और एक घर आपके पीछे होगा। हो सकता है आपका घर गली में, तो गली के आगे गली छोड़ के फिर एक घर हो। कहने का मतलब है आपके घर के चार दिशाएं हैं, एक आगे पीछे दाएं बाएं, चार दिशाएं आपके घर के चारों तरफ हैं। तो कोई न कोई घर या तो चारों दिशाओं में होगा या ना किसी न किसी दिशा में घर जरूर होगा। तो वही क्या कहलाएगा आपका? पड़ोस। वो क्या कहलाएगा? पड़ोस। और पड़ोस होना क्यों जरूरी है? एमरजेंसी में अगर किसी चीज की जरूरत हमें पड़ जाए तो भाग के पहले कहाँ जाएंगे? हम ही नहीं जाएंगे, पड़ोसी भी हमारे घर आएगा। कोई हम एहसान नहीं कर रहे उस पर, जरूरत पड़ने पर वो भी तुम्हारे घर आता है। तो पड़ोस होना बहुत जरूरी है कि नहीं? और पड़ोस से हमें लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, बात समझे आप? पड़ोस से हमें लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरतें पड़ोस में ही पड़ती हैं। लेकिन आजकल लोगों ने अपना थोड़ा व्यवहार चेंज कर लिया, तो नहीं, हमें पड़ोसी से भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी सभी व्यवस्थाएं कर रखे हैं तो उन्होंने पड़ोस से भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पड़ोस से जरूरत पड़नी चाहिए। कभी हम सब लोग घर जा रहे छोड़ करके ताला मार के कहीं घूमने, तो कम से कम पड़ोस में ये तो कहते हैं भैया थोड़ा हमारी नज़र रखना घर की, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका पड़ोस, घर का पड़ोस हुआ। उसी प्रकार से हमारे देश का भी पड़ोस है, उसी प्रकार से। तो जिस प्रकार से हमारा पड़ोस है, उसी प्रकार से हमारे देश का पड़ोस है। हमारा कहीं जिला है तो जिले का पड़ोस है, हमारे गांव का पड़ोस है, हमारे राज्य का पड़ोस है, सबका पड़ोस होता है। तो आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य सीखने का ये है कि हम पढ़ेंगे अपने देश का पड़ोस। पड़ोस से मतलब कि हमारे देश के पड़ोसी कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से हैं और कितने हैं। किसी को मालूम है कि हमारे देश के कितने पड़ोसी देश हैं? नौ। ठीक, जो पढ़ाते हैं थोड़ी बहुत जानकारी आप उसके लिए बैठे हैं, या हो सकता है ज़्यादा भी लिए बैठे हों। तो हमारा देश ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये रंग बिरंगा, ये सब हमारा पूरा देश है। इसके अलावा अगर इसके बगल में कोई देश है तो वही हमारा क्या कहा जाएगा? पड़ोसी देश। पड़ोसी का मतलब ये होता है कि हमारे देश की सीमा से, ये बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन से अगर किसी दूसरे देश की बाउंड्री लाइन लग रही है, मेड़, जैसे खेतों की मेड़ होती है, वैसे ये मेड़ है हमारी, ये हमारे देश की, इधर यहाँ से इधर, और इधर अगर तुरंत कोई दूसरा देश है तो हमारा पड़ोसी देश कहा जाएगा। ठीक, तो देखिएगा हमारे देश के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। शुरू करते हैं यहाँ से, शुरू करने मतलब आप कहीं से भी शुरू करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से शुरू करो या श्रीलंका से शुरू करो या भूटान से शुरू करो। हम पाकिस्तान से अगर शुरू करें तो पाकिस्तान की ये ज़मीन जो है हमारे देश की ज़मीन से लगती है, तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश हुआ। इसी प्रकार से देखो ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की ज़मीन भी हमारे देश से यहाँ पर लगती जाकर, ये थोड़ी लगती है, ज़्यादा बाउंड्री लाइन नहीं है अफगानिस्तान की, ये तो सब पाकिस्तान की है, ये टोटल जो आपका दिख रहा है ये सब पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान की थोड़ी बाउंड्री लाइन यहाँ पर ये लग रही है, तो हमारा पड़ोसी हो गया। इसी प्रकार से अब आप इधर आ जाइए, दो हो गए। अब देखो ये नेपाल, ये नेपाल की बाउंड्री लाइन देखो, ये हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और इधर ये कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बहुत पतला पतला लंबा लंबा ये यहाँ तक जा रहा। तो नेपाल की जो सीमा हमारे देश के चार राज्यों से लग रही है, चार नहीं बल्कि ज़्यादा, एक दो तीन चार पाँच से लग रही है, तो हमारा पड़ोसी देश हुआ नेपाल। आगे चलिएगा, ये देखो चीन भी है, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि चीन की सीमा देखो, ये सब सीमा जो टोटल है वो किसकी है? चीन की सीमा भी हमारे देश से लग रही है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, चार हो गए। अब आप इधर आ जाइएगा, भूटान भी, वो तो भूटान और नेपाल तो एक तरह से हमारे देश में घुसे हुए हैं, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ये तो घुसे हुए हैं हमारे घर में,
तो पड़ोसी तो हो ही जाएंगे। देखिएगा, ये भूटान है हमारा, ये बांग्लादेश है, तो 5 और ये 6 हो गए हमारे देश की सीमा को छूते। उसके बाद आप आ जाइए म्यांमार, म्यांमार भी देखो, ये म्यांमार तो बहुत लंबी सीमा को छू रहा है, ये देखिएगा, तो ये भी हमारा पड़ोसी देश हुआ, तो कितने हो गए? 7। अब आ जाइएगा इधर, कोई पड़ोसी देश नहीं, ये बंगाल की खाड़ी है यानी समुद्र, श्रीलंका। अब श्रीलंका की बाउंड्री तो हमें नहीं छूती है, क्या श्रीलंका की बाउंड्री छूती है? यानी हम भागते हुए अपने देश से निकले श्रीलंका, हम घुस जाएंगे क्या? नहीं घुस पाएंगे। बीच में कौन है? बीच में कौन है? पानी, नदी का है या नहर का या तालाब का है? समुद्र किसने कहा? चरित ने। समुद्र कहाँ है यहाँ? तो हमें ये नहर दिख रही, कोई तुम्हारे गांव वाली अभी कोई नदी बोल रहा था, ये बेटा पूरा समुद्र है, ये सब समुद्र है टोटल, और समुद्रों के भी नाम है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर नीचे देखो ये लिखा हुआ हिंद महासागर, इधर लिखा हुआ अरब सागर, तो आप ये नदी तालाब और नहर नहीं बोलेंगे, कौन है इधर? समुद्र है। बीच में कौन पड़ जाएगा? समुद्र पड़ जाएगा। और हमने ये भी कहा था हमारे देश की सीमा को छूता हो तो पड़ोसी देश होगा, लेकिन हम फिर भी इसको भी पड़ोसी देश मानते हैं कि कहीं कहीं बाउंड्री लाइन, यहाँ भगवान राम ने यहाँ बीच में पुल बनाया था, राम सेतु, क्यों बनाया था? श्रीलंका घूमने के लिए, हाँ, सीता को घुमाने के लिए, हाँ, बचाने के लिए, किससे? रावण से। ठीक, तो रावण यहाँ से भागा था कहीं से, चित्रकूट पर्वत थे, कहाँ पे थे, वहां से लेकर के सीधा श्रीलंका चला गया, तो उन्होंने यहाँ पर बांध बना दिया था, अभी भी बांध है। आप ये कहो कि हम तो झूठ बोल रहे हैं या कथाएं झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं है, आप ध्यान से वहां जाके ढूंढेंगे तो पानी में डूब चुका है, लेकिन है, उसके अवशेष अभी हैं, कहीं चला नहीं गया। तो एक तरीके से सीमा तो मिल गई ना, फिर जब बांध बन गया तो सीमा मिल गई, तो इसलिए हमारा देश, देश का पड़ोसी देश कौन एक है? श्रीलंका भी है। और लास्ट जो है वो है हमारा, ये देखो ये छोटे छोटे टापू दिख रहे हैं, मालदीव्स, यानी छोटे छोटे टापुओं पे बसा हुआ देश है, तो वो कौन है? मालदीव। तो कुल मिला के कितने हो गए? 9। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे देश के कितने पड़ोसी देश हैं? 9। क्लियर हो गया? कम से कम अगर नाम नहीं बता पाओगे तो पहले तो नाम भी पता होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपने पड़ोसी देश पता होने चाहिए नाम और उनकी संख्या। अगर नाम भूल जाओ तो कम से कम ये तो कही दोगे हमें 9 पता है, और 9 में से जब गिनना शुरू होगे तो कम से कम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, एक आध भूल भी जाओ ज़्यादा से ज़्यादा बता पाओगे। ठीक, तो ये थे हमारे पड़ोसी देश। ठीक, सीख लिए। अभी समुद्रों की बात करें तो हमारे देश 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। यहाँ से एक चीज़ और बता के इस क्लास को ख़त्म करेंगे। देखो ये इतना जो हमारा देश है, ये इतना 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, 3 ही समुद्रों से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे इधर पश्चिम में अरब सागर। तो ऐसी ज़मीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो प्रायद्वीप कहलाती है, प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। कभी जब भी आपसे कोई कहे प्रायद्वीपीय भारत वो बोले तो आप समझे प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है, हमने भारत तो पढ़ा लेकिन प्रायद्वीपीय भारत नहीं पढ़ा। तो जब भी कोई प्रायद्वीपीय भारत की बात करेगा तो आप समझ लेना कि वो इस हिस्से की बात कर रहा है। ठीक, इंडियन पेनिनसुलर, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनिनसुलर और हिंदी में भारतीय प्रायद्वीप, यानी ऐसी जमीन। अब भारत में ही प्रायद्वीप नहीं, और देशों में भी है, बहुत से देश ऐसे हैं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए, तो वो भी प्रायद्वीप हो गया। कोई भी जमीन जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई हो, पानी से घिरी हुई हो, प्रायद्वीप कहलाएगी। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें हमने पीछे आपको पढ़ाया था हमारी गंगा जी यहाँ आकर के ये निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में ये गंगा जी गिर जाती है। गंगा जी इधर से ब्रह्मपुत्र नदी देखो ये आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकल के गई बहुत बड़ी, ये देखो यहाँ से घुसती हुई है निकल के, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी दोनों मिलकर के विश्व का सबसे बढ़िया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ये सुंदरबन डेल्टा, और ये दोनों नदियाँ ये इसमें गिर जाती हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आपने सीखा कि भारत के कितने पड़ोसी देश होते या पड़ोस क्या होता है। ठीक, दैट्स ऑल।